चलो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रहा है न्यूमेरिकल्स। बहुत अच्छे तरफ से हम न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करते देख लीजिए। बेटा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए तुमको दो फॉर्मूलास ऐसा फिंगरप्रिंट्स में होना चाहिए। सो क्या है बोलो, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? के लिखना चाहिए ना बेटा। सो द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या बोलता बोलो, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। दिस इज वन फार्मूला। दूसरा फार्मूला बताओ, K इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.30 बाई टी हाफ। हा ना बेटा, यस। ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो K इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। क्लैरिटी आया ना? सो कौन सा भी क्वेश्चन होने दो प्रियानो, हम ये फॉर्मूला यूज करके हम इजिली सॉल्व कर सकता। अच्छा देखो, नाउ लेट टुडे सेशन द फर्स्ट क्वेश्चन वाज फॉर ए रिएक्शन 2N2O5 गिव्स राइज टू 4NO2 प्लस O2। बेटा तुमको दो स्पेशल रिएक्शंस एक्सप्लेन किया, अच्छे तरह से देख लीजिए। 2H2O2 गिव्स राइज टू 2H2O प्लस O2। ये रिएक्शन का जो हम एक्सपेक्टेड रेट ला क्या होता, एक्सपेक्टेड रेट ला, द एक्सपेक्टेड रेट ला इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 होल स्क्वायर। बट आपको मालूम है द रेट ला इज नॉट ए एक्सपेक्टेड, इट इज एक्सपेरिमेंटल। सो बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल डेटा द रेट ला इज टेकन एज R is equal to K into H2O2 to the power 1. But based on this, we are not conclude that it is a second order. It is an example of first order. Aisa aur ek reaction hai. Kya hai dusra reaction dekho? 2N2O5 gives rise to 4NO2 plus O2. Iska rate la kaisa likhna chahiye? Rate la kaisa likhta? R is equal to K into concentration of N2O5 square. But ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। So इसका रेट ला क्या होता बेटा, इसका रेट ला क्या होता मालूम है? R is equal to K into concentration of N2O5 to the power 1. This is the rate law for the reaction. हमको लगता, सो इधर 2 है ना, इसलिए हमको लगता है इट इज ए सेकंड ऑर्डर। नहीं है प्रियानोम, आप याद होना चाहिए, इसलिए और एक बार रिवाइज किया। दो रिएक्शंस, ये एक ही रिएक्शन और ये दूसरा रिएक्शन, ये टू रिएक्शंस याद रखो, इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर नहीं है, इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो इसमें रेट क्या होता? सो रेट दिया और रेट कॉन्स्टेंट दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 पूछा। रेट दिया बेटा, रेट वैल्यू कितना दिया? 10^-4। रेट कॉन्स्टेंट वैल्यू दिया 3×10^-4। और तुमको क्या पूछा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इज इक्वल टू हाउ मच। सी ये कैसे फाइंड आउट करना, ऑलरेडी तुमको मालूम है, ये कैंसिल करो, 10^-1 10, इधर 10/3 means 3.33 molar is the concentration of N2O5. समझ में आया ना? So ये question का speciality क्या है? Based on the equation हमको लगता it is a second order, but second order नहीं है प्रियानो, it is an example of first order। ऐसा दो questions आता बेटा, दो equations है, ये दो equations याद रखो तुमको easy जाता, ठीक है? और एक क्वेश्चन देख लीजिए, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन में मेंशन किया ना इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर बोल के, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ के, ओहो के वैल्यू दिया, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर, देखो देखो देखो, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20 मोलार टू 0.5
5 molar, 20 molar to 0.5 molar. प्यारी फर्स्ट ऑर्डर बोले ना, फर्स्ट ऑर्डर बोले तो फॉर्मूला क्या लेना, K is equal to 2.303 by T into log of A by A minus X. तुमको क्वेश्चन में क्या दिया क्या पूछा याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना? यस बेटा, मुझको बोलो 2.303 इंटू 0.30 इज इक्वल 0.693. अभी सपोज 2.303 इंटू 0.30 इंटू 10^-1 है तो 0.0693 ले सकता है क्या? ले सकता है क्या? देखो इधर 0.693 इंटू 10^-1 लिखा है तो ये क्या ले सकता है, इधर एक जीरो आता. क्यों ऐसा? देखो कैलकुलेशन इजी लगना चाहिए तुमको. के वैल्यू दिया बेटा, के वैल्यू कितना, 0.0693 इज इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स. लॉग ए वैल्यू 20, ए माइनस एक्स वैल्यू 2.5, ये टी होना चाहिए. सो 0.0693, 0.0693 जगह पे क्या ले सकता, 2.303 इंटू 0.30 इंटू 10^-1 इज इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू, ये कैंसिल किया तो कितना आता, लॉग 8. ऐसा क्यों लिखाया, थोड़ा कैलकुलेशन इजी के लिए ले लिया बेटा, समझ में है ना? यस. फ्रॉम दिस टी इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितना, इधर कितना आया बोलो, 0.30 इंटू 10^-1 इज इक्वल टू लॉग 8 वैल्यू 0.90 बाई टी. प्यारी हमको टी वैल्यू चाहिए, टी इज इक्वल टू 0.90 बाई 0.30 इंटू 10^-1. के यूनिट्स क्या है, के का यूनिट्स क्या दिया, मिनट इनवर्स दिया. जो टाइम तुम इधर कैलकुलेट करता वो टाइम का यूनिट्स क्या आता बोलो, मिनट्स में आता, समझ में आया ना? ये दो क्वेश्चंस लिखो अच्छी तरह से. चलो बेटा गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेम वे. बेटा अभी अच्छी तरह से तुम ध्यान रखो, फॉर PCl5 गिव्स राइज टू PCl3 प्लस Cl2 द रेट ऑफ रिएक्शन. तुम क्वेश्चन अच्छी तरह से ध्यान रखो, द रेट ऑफ रिएक्शन when 0.01 molar PCl5 used is 2×10^-5 molar second inverse. The half-life value is, ठीक है बेटा क्वेश्चन में तुमको ये फर्स्ट ऑर्डर ऐसा मेंशन किया क्या, क्वेश्चन में इट इज ये फर्स्ट ऑर्डर ऐसा मेंशन किया क्या, नहीं ले लिया. बेटा हमको मालूम होना चाहिए इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कैसे गुरुजी? अरे बेटा रिएक्शन ले लो, हाउ यू कैन राइट द रेट ला, रेट ला कैसे लिखना चाहिए, रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1. ऐसा कैसे गुरुजी? अरे बेटा ये रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट है ना, एक ही रिएक्टेंट है ना, सो रेट कंपल्सरी डिपेंड ऑन दैट रिएक्टेंट. एक ही रिएक्टेंट है ना बेटा, सो रेट कंपल्सरी उसमें डिपेंड होना चाहिए, इसलिए बेटा इट इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, अच्छा है. क्वेश्चन में क्या दिया क्या पूछा, देखो द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, प्यारी रेट ऑफ रिएक्शन 2×10^-5 is given and concentration of the reactant वो भी दिया. So the half life value is, बेटा based on the rate law, rate value दिया, concentration of PCl5 दिया, हमको क्या आ सकता, ये 2×10^-3 is equal to K into 10^-1
सो ये कैंसिल किया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, है ना बेटा? तुमको क्या आया? के वैल्यू आया, बट क्वेश्चन में के नहीं पूछा, हाफ लाइफ वैल्यू पूछा। हाफ लाइफ का के का रिलेशन मालूम है, बोलो फॉर्मूला बोलो, के इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.30 बाई टी हाफ। ये फॉर्मूला याद है क्या? यस, आप बोलो दूसरा फॉर्मूला बोलो। ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो 0.693 बाई टी हाफ, ठीक है ना? अभी क्वेश्चन में क्या पूछा? टी हाफ वैल्यू पूछा। टी हाफ फाइंड आउट करने के लिए के होना, ऑलरेडी के मालूम है ना बेटा। अच्छा फिर क्वेश्चन सॉल्व, के वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इज इक्वल टू, इधर बोलो 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय टी हाफ। बेटा ये क्यों ले लिया? थोड़ा कैलकुलेशन इजी लगता ना, इसलिए किया। इधर 1.1 आता है, सो टी हाफ इज इक्वल टू 1.1 इंटू 0.30 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर माइनस 3। क्लैरिटी आया ना? क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर ऐसा मेंशन नहीं किया, बट हमको मालूम होना चाहिए। इट इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना बेटा? यस। ऐसा और एक क्वेश्चन दिया, देखो इधर क्या दिया। सो ये क्वेश्चन देखो, SO2Cl2 gives rise to SO2 plus Cl2. T 99.9% is 100 seconds. Then specific rate constant value is. अरे बेटा इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर मेंशन नहीं किया, फर्स्ट ऑर्डर मेंशन नहीं किया, बट हमको मालूम होना चाहिए इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर। ऐसा कैसा गुरुजी? ये रिएक्शन दिया ना, रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट्स है? एक ही रिएक्टेंट है, सो रेट कंपलसरी उसमें डिपेंड होना है तो होना चाहिए। इसलिए बेटा हाउ यू कैन राइट द रेटला, रेटला कैसा लिखना चाहिए? आर इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2Cl2 टू दी पावर 1। समझ में आया ना? क्लैरिटी आया ना? बेस्ड ऑन द रेटला, you understand it is an example of first order reaction, theek hai? aur question mein kya pucha? T 99.9% value diya, the specific rate constant, priya norm yaad rakho, idhar k, ye k ka meaning kya hai? sabko malum hai k is nothing but rate constant, usko velocity कॉन्स्टेंट भी बोल सकता, उसको स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट भी बोल सकता, स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट भी बोल सकता। सो तुमको इनडायरेक्टली क्या पूछा? क्या पूछा बोलो? के वैल्यू पूछा, के वैल्यू पूछा। के वैल्यू है ना, के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फंडामेंटल वन एंड ओनली फॉर्मूला, log of a by a minus x। क्वेश्चन में k वैल्यू पूछा, उनके लिए इंफॉर्मेशन क्या दिया? t 99.9% is 100 seconds। बाप रे, इतना इजी है, देखो 2.303 by t जगह पे क्या लेना? t 99.9% लेना। अभी a by a minus x कितना होता? ये 100 रहा बेटा, बोलो मुझको बोलो। इधर 99.9% का मीनिंग क्या है? 99.9% डिकम्पोज हो गया, कितना बचता वेसल में? कितना बचता? 0.1 बचता। समझ में आया ना? यस। टी 99.9% इसका वैल्यू दिया बेटा 100 सेकेंड्स। सो लॉग ऑफ ये वैल्यू कितना होता? 10 टू दी पावर 3। तुमको मालूम है लॉग टू दी एम टू दी पावर एन आगे आता, सो एन इंटू लॉग एम। समझ में आया ना? ठीक है, ये 3 आगे आता,
So K is equal to 2.303 by 10 square into 3 into log 10. Priyanom, log 10 value मालूम है, हम तुमको लास्ट क्लास में पूरा लिस्ट दिया, log values का लिस्ट दिया बेटा. So K is equal to 2.30 into 3, ये ऊपर लेके जाओ, 10 to the power minus 2. This is the value of specific rate constant. K मतलब rate constant, also called as velocity constant, also called as specific rate constant. Confuse नहीं होना, specific rate constant दोनों अलग नहीं है, दोनों same है, सही है ना बेटा? लिखो लिखो अच्छी तरह से लिखो. क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, अच्छे तरह से देख लीजिए. क्वेश्चंस कैसा सॉल्व करें, ये हार्ड नहीं है बेटा, बहुत इजी है. कौन सा भी क्वेश्चन होने दो, दो फॉर्मूला फट खत्म होता है ऐसा. देखो ये क्वेश्चंस भी देखो क्या दिया. इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज्ड फ्रॉम 0.8 to 0.4 molar. Language समझ में होना चाहिए. 0.8 molar to 0.4 molar in 15 minutes. प्यारी प्यारी प्यारी, this 15 minutes indirectly तुमको मालूम है, it is an example of T half. अरे ऐसा कैसा गुरुजी, T half mention नहीं किया ना, but logic देखो. Concentration of reactant decreased from 0.8 to 0.4 molar. अरे concentration क्या हो गया, आधा हो गया. आधा होने के लिए कितना time लगाया, 15 minutes लगाया. So वो 15 minutes को क्या बोलना चाहिए, half life बोलना चाहिए. समझ में आया ना? फिर ठीक है, question देखो. The time taken when concentration of reactant becomes 0.1 to 0.02. हर बाप रे इतना easy है chemistry. First order बोले ना, first order mention किया ना, first order बोले तो एक ही formula, एक ही formula. K is equal to 2.303 by T into log of ये भाई ये minus x. प्यारी 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 क्वेश्चन में द टाइम टेकन मींस क्वेश्चन में क्या पूछा, टी वैल्यू पूछा. टी वैल्यू फाइंड आउट करने के क्या होना, के वैल्यू होना चाहिए. बट क्वेश्चन में के वैल्यू दिया क्या, के वैल्यू नहीं दिया. इनडायरेक्टली क्या दिया, बोलो बोलो बोलो, टी हाफ दिया. इसलिए ये के जगह पे क्या लिखना चाहिए, बोलो 2.303 into 0.30 by T half is equal to 2.303 by T into log of A by A minus X. A value 0.1 molar divided by A minus X value means final concentration. समझ में आया ना? ठीक है, ये कैसे सॉल्व करना, ये 2.303 2.303 कैंसिल, 0.30 बाई 15 इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटू, प्यारी ये कैंसिल करो कितना आता, 5 आता. मींस इट इज नथिंग बट लॉग 5, सही है ना? यस. इसमें क्या होना, टी वैल्यू लॉग 5 वैल्यू मालूम है. व्हाट इज द लॉग 5 वैल्यू, 0.69. सो टी वैल्यू फाइंड आउट करो, टी इज इक्वल टू 0.69 इंटू 15 बाय 0.30. बाप रे बाप रे, इतना इजी कैलकुलेशन है बेटा, हाँ ना, सच में है ना? यस. सो कैलकुलेशन करना की जरूरत है क्या, पूरा हम किया तो तुम क्या करते रहे दलिंदर, तुम करना चाहिए, नीट एग्जाम तुम लिखता ना, हाँ कैलकुलेशन तुम करो. गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा बेटा सेम क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, सेम क्वेश्चन थोड़ा चेंज है. क्या चेंज है, फॉर ए रिएक्शन, रिएक्शन दिया, फॉर ए रिएक्शन H2O2 गिव्स राइज टू H2O प्लस हाफ O2, द टी हाफ वैल्यू दिया, टाइम टेक्स प्लेस फॉर 20%
ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड. क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर दिया क्या, दिया क्या, नहीं दिया. बट हम इंटेलिजेंट है, हमको कॉन्सेप्ट मालूम है. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. क्यों सर, आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा रहे हैं ना, सो इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर. ऐसा नहीं है बेटा, ये इक्वेशन में कितना रिएक्टेंट है, ये ही रिएक्टेंट है, ये ही रिएक्टेंट है, तो रेट कंपल्सरी उसमें डिपेंड होना चाहिए. इसलिए हाउ यू राइट द रेट ला, रेट ला कैसा लिखना चाहिए, आर इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू ओ टू टू दी पावर वन. टू दी पावर वन बोले तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, है ना, है ना, है ना, इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अरे बाप रे, फर्स्ट ऑर्डर है तो एक ही फॉर्मूला खत्म, एक ही फॉर्मूला खत्म. के इज इक्वल टू 2.303 by t into log of a by a minus x. प्रिया नोम. क्वेश्चन में क्या पूछा, टाइम टेक्स प्लेस. क्वेश्चन में टाइम पूछा. टाइम फाइंड आउट करने के k होना चाहिए. k means रेट कांस्टेंट, वेलासिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट. बट k वैल्यू दिया क्या, नहीं दिया. के नहीं दिया, बट क्या दिया, टी हाफ वैल्यू दिया. इसलिए के कैसा लिखना चाहिए, 2.303 इंटू 0.30 डिवाइडेड बाय टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय टी इंटू लॉग ऑफ. क्वेश्चन में टाइम पूछा, टाइम टेक्स प्लेस फॉर 20% ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड. अरे 20% रिएक्ट हो गया, ये मींस इनिशियल कंसंट्रेशन. ए माइनस एक्स फाइनल कंसंट्रेशन. 20% रिएक्ट हो गया, कितना बचता, 80 बचता है ना. ये कैंसिल करो. बाप रे, इतना इजी प्रोसीजर है. देखो टी हाफ वैल्यू 10 इज इक्वल टू log, सॉरी 1/t है ना, इधर 1/t है ना, सो 1/t इंटू, बेटा ये कैंसिल करो. कैंसिल किया तो क्या आता, 5/4 मींस log 5/4. कैसा ले सकता, log 5 माइनस log 4. तुमको मालूम होना चाहिए log 1, log 2, log 3, log 4 पूरा लिस्ट दिया, वो बयाट होना चाहिए. लॉग वैल्यूज समटाइम्स क्वेश्चन पेपर में देता, समटाइम्स नहीं देता. तुमको मालूम होना चाहिए लॉग वैल्यूज. बोलो प्यारी, टी इज इक्वल टू 10/0.30 इंटू लॉग 5 वैल्यू 0.6, लॉग 4 वैल्यू 0.60. ओ भैया इतना इजी है क्वेश्चंस, देखो बाप रे. लिखो बेटा, लिखो. बेटा और दो क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चंस अच्छे तरह से देख लीजिए. सो फर्स्ट ये क्वेश्चन देखो, क्या पूछा देखो, टी 60% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट्स, देन टी 50% इज, टी 60% दिया, सी टी 50% पूछा. तुमको थोड़ा क्लैरिटी आना चाहिए, ये टी 60% का मीनिंग क्या है गुरुजी, और टी 50% का मीनिंग क्या है. बोलो बेटा, टी 60% का मीनिंग क्या होता, टी 60% का मीनिंग क्या है. 60% ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट. सो देखो इधर, के इज इक्वल टू 2.303 by t into log of a by a minus x. बोलो अभी t कितना लेना, t 60% लेना. 60% का मीनिंग क्या है, 60% ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट. सो रिएक्टेंट कितना बचता, 40% बचता. सो इधर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 ले लिया तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 40 लेना चाहिए. क्वेश्चन में क्या पूछा, T
T60% पूछा। बट ये T60% फाइंड आउट करने के लिए तुमको क्या होना बेटा, K वैल्यू होना चाहिए। सॉरी, ये T60% दिया, हाँ T50% पूछा। अच्छा देखो, T50% पूछा मींस टी हाफ पूछा। K इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय टी हाफ। ये फार्मूला मालूम है ना? यस। क्वेश्चन में तुमको क्या पूछा, क्या पूछा? टी हाफ वैल्यू पूछा, हाँ ना बेटा, सही है ना? यस, टी हाफ वैल्यू पूछा। टी सिक्सटी परसेंट इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सब्स्टिट्यूट करो बेटा, के इज इक्वल टू 2.303 बाई 60 इंटू लॉग ऑफ, ये कैंसिल करो, कैंसिल किया तो क्या आता, 5/2 आता, लॉग 5/2। सो K इज इक्वल टू 2.303/60 इंटू log 5/2। कैसा लिखना चाहिए? log 5 - log 2। वैल्यू मालूम है ना बेटा? सो K इज इक्वल टू 2.303/60 इंटू log 5 0.69, log 2 वैल्यू 0.30। प्यारी, तुमको क्या आया? के वैल्यू। ये के वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो, तुमको T50% आता। देखो, के वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो, कितना 2.303/60 इंटू 0.69 माइनस 0.30, सो 0.39 इज इक्वल टू, बोलो ना बेटा, 2.30 इंटू 0.30/T50%। प्यारी, जो कैंसिल होता वो कैंसिल करो और T50% फाइंड आउट करो। T50% इज इक्वल टू, बोलो, 0.30 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 0.39। ऑलमोस्ट ये 3 होता, ये 4 होता, है ना बेटा, 3/4 इंटू 60, नियरर वैल्यू 645। ऐसा फास्ट कैलकुलेशन करना चाहिए, उसके लिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बच्चों, ठीक है ना? यस, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक अच्छा क्वेश्चन देखो। सो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अच्छे तरफ से बेटा। हम जो मॉडल्स पढ़ा रहे हैं वही मॉडल्स तुम प्रैक्टिस करना चाहिए, याद रखो, ठीक है ना? यस। A gives rise to product, this is one chemical reaction. B gives rise to product, another chemical reaction. Beta, if T50% of first reaction is equal to T90% of second reaction, then specific rate constants are. So, हम थोड़ा इसका थोड़ा addition add करता देखो। A gives rise to product and B gives rise to products are first order reactions, are first order reactions, first order reactions. Okay, if T 50% of first reaction कितना react हो गया, 50% react हो गया, 50% बच गया। Next, T 90% ऑफ सेकेंड रिएक्शन, बेटा ये रिएक्शन 90% रिएक्ट हो गया, ठीक है? अच्छे तरह से ध्यान रखो, ये गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, दिस इज वन रिएक्शन। बी गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, इट इज अनदर रिएक्शन, हा ना बेटा, अनदर रिएक्शन। ये कितना हो गया, ये T 50%, ये कितना हो गया, ये T 90%। ओके, करो ना बेटा। सो के इज इक्वल टू 2.303/T इंटू लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। हाँ, आप बताओ टी कितना लेना, 50% लेना। सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना, 100, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना, 50% रिएक्ट हो गया, 50% बच गया, ठीक है।
इधर देखो इधर देखो इधर फर्स्ट ऑर्डर दिया ना, फर्स्ट ऑर्डर बोल के नहीं दिया तो भी समझ में होना चाहिए क्यों, एक ही रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट है तो इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इधर टी कितना, टी 90%, बोलो मीनिंग क्या है, 90% रिएक्ट हो गया, बचता कितना, रिमेनिंग कितना, 10%। सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 है तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो देखो ये K1 रहा बेटा, देखो देखो ये क्या है K2 रहा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, T50% इज इक्वल टू कितना आता, 2.303 बाई K1 इंटू, कैंसिल करो कितना, लॉग 2 वैल्यू हा ना, अरे कैंसिल है तो लॉग 2 वैल्यू 0.30। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, T90% इज इक्वल टू, बाप रे कितना इजी है देखो, ये कैंसिल, लॉग 10, लॉग 10 वैल्यू कितना, लॉग 10 इज इक्वल टू 1, लॉग वैल्यू मालूम होना चाहिए बेटा, लॉग वैल्यूज तुमको तोन पाठ होना चाहिए, याद रखो क्वेश्चन में क्या दिया, गिवेन सुनो, गिवेन गिवेन टी 50% ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज इक्वल टू T90% ऑफ सेकेंड रिएक्शन, सो T50% ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज इक्वल टू T90% ऑफ सेकेंड रिएक्शन, सो T50% कितना कितना बेटा बोलो, इधर कितना होता, 2.303 by K1 into 0.30, इधर देखो 2.303 by K2 into 1, 2.303, 2.303 cancel, क्वेश्चन में क्या पूछा, T1, T2 is equal to कितना, सो ये उधर लेके जाओ, K1 by K2 is equal to 0.30, means 30/100, means 3/10, so ratio, what is the ratio of rate constant, मस्त आचा है ना, easy लग रहा है ना questions, मजा आना चाहिए, हमारा बुकलेट में जितना क्वेश्चन से पूरा सॉल्व करो, कोई डाउट आया हमारा ऐप में हिंट्स एंड सॉल्यूशंस डाल दिया, हर एक क्वेश्चन का विथ नीट एक्सप्लेनेशन दिया बेटा, आज ये लेक्चर होने के बाद बुकलेट ओपन करा, फटाफटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जितना क्वेश्चन से उतना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, आप याद रखो तुम बहुत मेहनत करना चाहिए बेटा, उतना साधारण नहीं है, उतना इजी नहीं है डॉक्टर बनना, बहुत हेवी हेवी कॉम्पिटिशन है, बहुत मेहनत करना पड़ता बेटा आप, सही है ना, ऐसा तुम नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, तुम्हारा रेगुलर ट्रैक में याद रखो 8 घंटा सेल्फ स्टडी होना चाहिए, सो मॉर्निंग 4 o'clock उठाए तो 4, 5 o'clock है तो 5 to 1 o'clock तक पूरा सेल्फ स्टडी, 1 o'clock के बाद तुम वीडियोस लेक्चर देखना चाहिए, मींस स्टडी आवर डिस्टर्ब नहीं करना कभी भी, याद रखो 8 घंटा स्टडी होना चाहिए, 8 घंटा स्टडी होना चाहिए, सही है ना बेटा, यस लिखो लिखो, ओहो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग रहा बेटा, मस्त अच्छा लगता देखो तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना, देखो क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.04 मोलार सेकंड इनवर्स एट 10 मिनट्स, अच्छा 0.03 मोलार एट 20 मिनट्स, द टी हाफ, बेटा फर्स्ट ऑर्डर बोले ना, फर्स्ट ऑर्डर बोले ना, फर्स्ट ऑर्डर बोला ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर मेंशन किया ठीक है, और क्या पूछा इधर, टी हाफ वैल्यू पूछा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या होना चाहिए, अरे बाप रे इतना इजी है देखो, सो के इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ, बस बस
क्वेश्चन में टी हाफ पूछा, टी हाफ होने के लिए क्या होना, के वैल्यू होना, बस। के वैल्यू कैसा मालूम होता, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। हम ऐसा लिखता, ठीक है ना, ऐसा लिखता, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अभी ये के वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, फिल खत्म। बट ये के वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना, इसमें एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, देखो, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, बेटा फर्स्ट ऑर्डर बोले तो रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1। इज इट राइट आर नॉट, हा ना, हा ना, रेट ला वैसा लिखना चाहिए ना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोलार सेकंड इनवर्स। अरे बेटा रेट कितना है, इसमें से रेट कितना, 0.04 मोलार। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली, बाद में बोलो, एंड 0.03, अरे 0.03 मोलार, दिस इज नथिंग बट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। सो सी नॉट बाय सी टी इज इक्वल टू 0.04 बाय 0.03 इज इक्वल टू 4/3 होता है। ए सुनो, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.04 एट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड मीन्स ये इनिशियल दिया, सो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बाद में दिया सो ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा पकड़ना चाहिए। सो के इज इक्वल टू क्या बोलता, के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी। बेटा आप बोलो 0.04 मोलार बिकम्स टू 0.03 इन हाउ मच टाइम, 10 मिनट्स, 20 - 10 लॉग ऑफ, बेटा सी नॉट बाई सी टी इनडायरेक्टली मालूम होने के लिए ऐसा दिया 4/3। अरे बाप रे बाप रे, सो के इज इक्वल टू 2.303/10 इंटू लॉग 4 माइनस लॉग 3 वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा है बेटा तुमको, ऐसा आंडू पांडू नहीं है, अंडू पांडू नहीं है ये क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चंस है, तुम ऑब्जर्व कर रहे, हम सेम मॉडल रिपीट नहीं कर रहा, एक एक क्वेश्चन में एक एक वेराइटी हम दिख रहा है तुमको, यही प्रैक्टिस करना, ऐसा मॉडल्स आता बेटा, ठीक है ना, यस। सो के इज इक्वल टू 2.303/10 इंटू लॉग 4 वैल्यू 0.60 माइनस लॉग 3 वैल्यू 0.47। बेटा इसमें के वैल्यू कितना, 2.303/10 इंटू 0.13, हा ना, इज इक्वल टू इधर 0.693, इधर क्या ले सकता, 2.303 इंटू 0.30 डिवाइडेड बाई टी हाफ, हम ऐसा क्यों ले लिया, कैंसिल होता बेटा। सो 0.13/10 इज इक्वल टू 0.30/t½। क्वेश्चन में तुमको टी हाफ वैल्यू पूछा, समझ में आया ना, यस, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो और एक, ओहो और एक क्वेश्चन बेटा, अच्छे तरह से ध्यान रखो, ये अलग मॉडल है, ये अलग मॉडल है, एक एक क्वेश्चन एक एक मॉडल, हम सभी मॉडल कवर कर रहे हैं तुमको। एक क्वेश्चन तुमको और एक बार होना चाहिए, बैक जाओ और एक बार सुनो और एक बार लिखो, ठीक है ना, बट यही मॉडल आता बेटा, यही मॉडल आता, याद रखो, यस, गो फॉर नेक्स्ट वन। फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन SO2Cl2 gives rise to SO2Cl2। अरे बेटा ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, बोलो ना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा ध्यान से सुनो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट गैस, प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट गैस, सो इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शंस, गैसियस रिएक्शंस। अच्छा क्वेश्चन पढ़ो, द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट क्या दिया, सुनो 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 सुनो, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज्ड फ्रॉम 100 mm टू 120 mm इन 20 सेकेंड्स, द के वैल्यू इज, मेरी प्यारी जो पहले दिया दैट इज नथिंग बट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बेटा आप बोलो, इन जनरली कौन सा भी रिएक्शन ले लो, प्रेशर क्या होता, डिक्रीज होता, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता, डिक्रीज होता, इधर भी डिक्रीज होना चाहिए, 100 mm टू 90 mm, 100 mm टू 80 mm, ऐसे डिक्रीज होना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। बट क्वेश्चन का ट्विस्ट क्या है, क्वेश्चन का ट्विस्ट क्या है, प्रेशर 100 टू 120, अरे बाप रे, प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, दैट मींस इट इज नथिंग बट टोटल प्रेशर, है ना, है ना, है ना। सो अभी तक जो दिया वो अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, लक्ष्यटिवा, ये क्या है, प्रेशर दिया, प्रेशर दिया तो फॉर्मूला क्या है, ओहो मालूम है, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। प्यारी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम तुमको एक जबरदस्त ट्रिक बताया, क्या है वो बोलो, K इज इक्वल टू 2.303 बाय टी इंटू लॉग ऑफ एन माइनस वन इंटू पी नॉट डिवाइडेड बाय एन पी नॉट माइनस पी टी। बहुत भारी ट्रिक रहा बेटा, ये ट्रिक नहीं आई तो ये सॉल्व करने के लिए तुमको 10 मिनट लगता बेटा, विद इन 1 मिनट सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन, इसलिए ऐसा ट्रिक दिया। इसका एन का मीनिंग क्या है बोलो, एन, एन का मीनिंग क्या है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, अरे बाप रे, गैसियस प्रोडक्ट्स, अरे गैसियस प्रोडक्ट्स कितना, इधर वन मोल, इधर वन मोल, सो एन वैल्यू कितना, टू। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो 2.303 बाय टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स, लॉग ऑफ एन माइनस वन पी नॉट डिवाइडेड बाय एन इंटू पी नॉट माइनस पी टी। एक ही स्टेप में तुमको क्वेश्चन को आंसर आता, ट्रिक बहुत भारी है, बहुत भारी ट्रिक है ये ट्रिक, समझ में आया ना, तुमको मालूम होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, तुमको एक्सप्लेन किया, ये ट्रिक के बारे में बताया भी, बताया भी हम तुमको बताया बेटा, समझ में आया ना, यस करो अच्छी तरह से, करो क्वेश्चंस करो।